राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बेकाबू बस ने 5 गाड़ियों को रौंद दिया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना साउथ ईस्ट दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। फिलहाल शुरुआती जांच में हादसे के पीछे की वजह ब्रेक फेल बताई जा रही है। हालांकि जांच के बाद ही असल वजह का पता लग सकेगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बेकाबू बस ने रेड लाइट पर खड़ी टैक्सी और स्कूटी समेत करीब आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। कोई संभल पाता इससे पहले ही एक स्कूटी सवार बुरी तरह से बस की चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। साउथ ईस्ट के DCP राजेश देव ने बताया कि DTC के क्लस्टर बस नेहरू प्लेस से चलकर महारानी बाग की ओर जा रही थी। इसी दौरान मसीहगढ़ चौक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के रेड लाइट पर बस के ब्रेक फेल हो गए और बेकाबू बस रेड लाइट पर खड़ी 4 से 5 गाड़ियों को ठोकते हुए आगे निकल गई। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बस काफ़ी रफ्तार में थी। लोगों ने यह भी बताया कि अक्सर DTC बसों की स्पीड तेज़ होती है जिसकी वजह से अक्सर हादसों का डर बना रहता है।